पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अब तेरा घमंड तेरे साथ मरेगा। इवा की ये हालत क्या मैंने की? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है मुझे? काशवी के अंदर के महाजादू की ताकत को नियंत्रण में रखना मुश्किल होता जा रहा है, और जितना मुश्किल होता जा रहा है इसको नियंत्रण में रखना, उतना ही आसान होगा मेरे महाजादू से बालवीर को मारना। माँ कहाँ हो तुम? अगर पांचों ताले लग गए तो बालवीर कभी नहीं निकल पाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? माँ प्लीज आ जाइए। नहीं, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बचाना काम है, बालवीर नाम है, जानते तो हैं ही आप। यानी तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं। सिर्फ शक्तियां ही नहीं, याददाश्त भी। तो तुम वीर बन के हमें धोखा दे रहे थे। धोखा नहीं महामहिम, पैतरा। क्यों शशमा? गुनहगार हो तुम, और तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। निर्दोष हूं मैं, और मैं ये साबित करके रहूंगा। और मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए इस अभेद कैद को तोड़कर जा रहा हूं मैं। क्षमा करिएगा महामहिम। जाओ पकड़ो इसे। बालवीर, मेरे रहते तुम यहां से नहीं जा सकते। अब तो जा सकता हूं बालवीर।
साथी थोड़ा तो जोर से मारो, मुझे लगना नहीं चाहिए लेकिन लोगों को तो लगना चाहिए ना कि मुझे लगा। यस बालवीर तुम जल्दी से धरती लौट जाओ ना। चलता हूं महामहिम, शाश्वान रहे। बालवीर बालवीर अभी तक कैसे नहीं आया? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? बेनाम, बालवीर सब ठीक तो है ना? आई वॉज सो वरिड। बालवीर तुम शाश्वान लोग और हमें छल कपट से धोखा देकर भागे हो, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं हमेशा के लिए कैद होने वाला था और ये बात पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी, फिर भी माँ मुझसे मिलने नहीं है। इसका मतलब माँ कहीं पर मुसीबत में और उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे उदा का लोक वापस जाना होगा और माँ को ढूंढना होगा। बालवीर ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम वहां गए तो कैद हो जाओगे। लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अपनी माँ की फिक्र है। बालवीर जोश से नहीं होश से काम लो। अगर तुम पकड़े गए तो फिर कभी भी अपनी माँ से मिल नहीं पाओगे, और अगर वो किसी मुसीबत में है तो उन्हें बचा भी नहीं सकोगे। अगर माँ को मेरी जरूरत पड़ी तो? अगर माँ आदेशी को तुम्हारी जरूरत होती तो वो किसी भी तरह से तुम्हें संदेशा पहुंचा सकती थी। हो सकता है कि वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से तुमसे मिलने ना आई हो। याद रखो, लड़ाई वही योद्धा जीतता है जिसे ये मालूम हो कि उसे कब बल से काम लेना है और कब बुद्धि से। बालवीर बहुत ही जल्द एक महायुद्ध होने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, और उसके लिए मैं ये मोती तुम्हारे लिए लाई हूं। इस मोती को बहुत ही संभाल कर रखना अपने पास, सही वक्त आने पर ही इसका इस्तेमाल करना। फिलहाल तुम अपने घर जाओ, अपने धरती लोग के परिवार के पास, वो लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। पर ज्यादा नहीं लगी बेटा, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ अरे युवा दीदी, क्या हुआ आपको? मुझे किसी ने धक्का देकर गिरा दिया था, मेरे चेहरे पर आंख पर हर जगह कीचड़ भर दिया। कौन, किसे किया ये? नाम बताओ। नहीं पता मुझे, वो जो भी था उसने मुझे पीछे से धक्का दिया, उसके बाद मेरी आंखों में कीचड़ भर गया था, मैं नहीं देख पाई। वो तो अच्छा हुआ काश्वी थी वहां पर। काश्वी वहीं पे थी? काश्वी किससे क्या आई, नाम बताओ, तुमने देखा था उसे? बताओ मुझे। वीर 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 शांत बेटा शांत, काश्वी ने नहीं देखा बेटा। अरे ऐसे कैसे नहीं देखा, इसे पता होना चाहिए ना कि कौन था वहां पे। बताओ काश्वी कौन था, किसने दिया दीदी के साथ ऐसे? वीर काश्वी वहां थी पर वो फोन करने चली गई थी, और जब वो फोन करके वापस लौटी तब तक वो जो कोई भी था वहां से भाग गया था। यानी गलती किसी और की है और तू डांट काश्वी को रहा है। और तू और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था एक ऑटो से, वो तो काश्वी ने एंड मौके पर आके मुझे बचा लिया, नहीं है तो। आई एम सॉरी काश्वी, थोड़ा मैं वो इट्स ओके। नहीं नहीं आई एम सीरियस, थैंक यू इवा दीदी की हेल्प करने के लिए।
एंड दिल से सॉरी। थैंक यू काशवी, मेरी जान बचाने के लिए। जीती रहे बेटा, तेरा यह एहसान हम पर हमेशा रहेगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।